हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैंने आपको ये लिनक्स बेसिक और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स और विंडोज़ पढ़ाई थी। अब मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में। और ये देखिए, मैंने इसको पूरा बताना है आपको कि कैसे कैसे इसके यूजेस होते हैं, क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं और क्या क्या इसमें टॉपिक्स दिए हैं आपके। तो देखिए, मैंने अभी यहाँ तक बताया था और मैं आपको इस चीज़ के बारे में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, लिनक्स एक लोकप्रिय ग्राफिकल यूज़र है, ये मैंने अभी आपको बताया था। इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताया था बेटा अभी मैंने आपको, इंटरफेस सिस्टम है, अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको, ठीक है। ये एक स्वतंत्र पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये देखिए, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? स्वतंत्र एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, POSI। इम्प्लीमेंटेशन, लिनक्स जस्ट ट्रू मिस्टेक एंड इंक्लूड वर्टेबल मेमोरी शेयर्ड लाइब्रेरी। ये सब मैंने अभी आपको सब पढ़ के बताया था और मैंने अभी आपको समझाया भी था। क्या पढ़ाया था मैंने? आता आप इसके किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है, जिसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, डास्क ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। मैं आपको ये याद करने के लिए बता रही हूँ। इसमें वर्चुअल मेमोरी की मल्टी टास्किंग होता है। क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी का मल्टीटास्किंग होता है। देखिए, मैं अलग से बता रही हूँ इसको, इसमें भी दिया होगा। देखिए, ट्रू मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। और एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, ये बात आप याद रखें, ठीक है। एक ही समय में क्या, ये जो आपका पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वो एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, जैसे म्यूजिक, टाइपिंग, प्रिंटिंग आदि एक ही साथ कार्य कर सकता है, ठीक है बेटा। अतः इसमें मल्टीटास्किंग कहा जाता है, इसे तभी क्या कहा जाता है, मल्टीटास्किंग, ट्रू मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंटली क्रिएट बाय लिनक्स ट्रिबल्स इन 1991। द लिनक्स हैज एन ऑफिस मैस्कॉट, द लिनक्स पेंगम वैन वॉज चूज बाय लिनक्स ट्रोवल्स। देखिए क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। इसमें साथ ही इसमें इनमें मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग आदि सभी फीचर्स होते हैं या नहीं, इसमें सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या कहलाता है आपका लिनक्स। किससे? लिनक्स होता भी और इससे ही ये बना होता है, इससे ही प्रारंभ होता है। और इसका मल्टी पेगुइन, ये देखिए पेगुइन, ठीक है, पेगुइन है। प्रारंभ में इसे सर्वर के लिए उपयोग किया जाता था। ऑपरेट सिस्टम है, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इसमें क्या क्या होता है, ये मैं आपको आगे से और बता रही हूँ। ये सभी फीचर्स उपलब्ध होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, लिनक्स, पेनिगम और ये जो मल्टीटास्किंग बताए थे, ठीक है, मैनेजमेंट, नेटवर्किंग आदि सारे फीचर्स क्या होते हैं इसमें, होते हैं, ठीक है, जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। होता है या नहीं? लिनक्स में होता है। किस में होता है ये सब? लिनक्स में होता है, ठीक है। ये TGP आदि प्रोटोकॉल अभी मैंने बताया था, TGP आदि बताया था या नहीं? यहाँ पे देखिए, TGP आदि, ठीक है, आदि फीचर्स उपलब्ध होते हैं। ये सभी फीचर्स क्या होते हैं? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, ठीक है, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस, क्या, कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में फीचर्स, नियरली ऑल द फीचर्स होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। लिनक्स ऑल सपोर्टेड TC एंड IP। अभी मैंने TCP और IP के बारे में भी बताया था, कहाँ कहाँ उपलब्ध होते हैं, जो कि यूज़र लैगिंग विंडो पर लैगिंग करते समय यूज़र के और सॉफ्टवेयर विंडोज़ के सॉफ्टवेयर में अलग होते हैं, ठीक है बेटा। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर में अलग होते हैं। किस में? विंडोज़ में, ठीक है। जैसे विंडोज़ में MS Excel, MS Office तथा इन पर ऑफिस ओपन करते समय सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, चलते हैं अधिकतर में। मैन्युफैक्चर और हार्डवेयर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कमांड में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम
क्या होते हैं, के लिए बने होते हैं। यही कारण है कि प्लग एंड प्ले क्या अधिक सपोर्ट होता है, सपोर्ट होता है, ठीक है बेटा, क्या होता है, सपोर्टेड होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया क्या होता है, ये ऑल फीचर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। TGP क्या होता है, क्या बताया था मैंने अभी आपको, ये एक क्या है, प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या करता है, सपोर्ट। थैंक यू। मैं आगे की वीडियो में अभी आपको और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी, और अच्छे से उम्मीद है कि आपने सबने अच्छे से इसको याद कर लिया होगा, और अच्छे से पढ़िए इसको। थैंक यू।